हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने एक न्यू डिश लेके आए हैं जिसका नाम है तुर्किश ऑमलेट। ये बहुत ही टेस्टी है और मज़ेदार है, आप लोग को बेहद पसंद आएगी। चलो बनाना स्टार्ट करते। जिसके लिए हमें चाहिए, हमने ये मिर्ची थी ग्रीन, ये बिना तेज वाली है। इसके हमने बीन्स निकाल के अंदर से शीट उसको इस तरह से हमने चॉप कर लिया है, और इसके साथ में एक तेज मिर्ची हमने इस तरह से चॉप करके इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। अभी हम इसके अंदर, ये पैन गरम हो गया हमारा, इसमें 2 to 3 टेबलस्पून हम ऑयल ऐड करेंगे। इसमें हम जैतून का तेल ऐड करेंगे, ऑली ऑयल। अभी हम इसके अंदर ये जो चॉप किए हुए ग्रीन चिलीज है हम इसे ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सी सॉफ्ट कर देंगे। ये देखे आप, ये 5 to 6 नॉर्मल साइज के टोमेटो है। इसे हमने नॉर्मली इस तरह से ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लिया, मतलब ये एकदम ज्यादा भी पेस्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि किसी चीज से हमने इसको क्रश कर लिया है। बारीक टोमेटो को हमने क्रश कर देना टोमेटो को, और इस तरह से हमने तैयार करना है इसे। ये देखे आप, इस तरह से हमारी ये ग्रीन चिली हो गई है। अभी इसके अंदर हम ये जो टोमेटो हमने क्रश किए थे इसे हम ऐड करेंगे, और ये टमाटो को हम अच्छी तरह से भुनेंगे 5-6 मिनट, जब तक ये जो टमाटो है पक नहीं जाए। ये हम इसमें अभी 3 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। अभी हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून ये कुटी हुई रेड चिली है क्रश करके, वो ऐड करेंगे। 1/4 हमने पेपरिका लिए हैं, और 1/4 हमने रेड चिली पाउडर लिए हैं। सॉल्ट 1/2 टीस्पून डालेंगे हम, ये आप चेक करके टेस्ट करके डाल सकते हो, क्योंकि कम ज्यादा नहीं हो। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अभी इसके अंदर हमने ये कॉटेज चीज लिए हैं 1/2 कप, इसे ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर। अभी हम इसे 20 सेकेंड भुनेंगे चीज डालने के बाद में। अभी हम इसके अंदर एग्स ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने इसमें 5 एग्स तोड़ के ऐड कर दिए। अभी इसको हम हल्के से बस ऐसा करेंगे मैश, हल्का, हमें इसे ज्यादा नहीं तोड़ना है, और जब तक हमारा अंडा पकता नहीं है तब तक हम इसको पका लेंगे। स्लो फ्लेम को हमने नॉर्मल रखना है, स्लो आंच पे। ये देखें आप, हमारी तुर्किश डिश मेने मेन बनके तैयार हो गई है, बहुत ही लजीज। ये ब्रेकफास्ट है, आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। तुर्की स्टाइल का ब्रेकफास्ट है ये, आपको बेहद पसंद आएगा न्यू डिश, आप इसे ट्राई कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ आप हमें सपोर्ट कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ये न्यू डिश आप हमारी जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।